तो स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी ने प्ले किया था एक स्कैमस्टर गुजराती का रोल जो लोगों को चूना लगाता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, उनको बड़े बड़े सपने दिखाकर ये गुजराती उनका सारा पैसा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है। वेट, व्हाट डिड आई जस्ट से? गुजराती जो लोगों को बेवकूफ बना, ओ भाई साहब गलत मत समझ जाना, मैं हर्षद मेहता की बात कर रही हूँ यार, बेवजह आके अभी कमेंट सेक्शन में उत्पात मचा दोगे वरना। वैसे आई गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ना, फिर मैं बताती हूँ कैसी है प्रतीक गांधी की भवाई। याद है ना मंत्र, सब्सक्राइब करोगे तो रम चलेगा, नहीं तो कट्टा बम चलेगा। सो भवाई फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है और इसको लिखा और डायरेक्ट किया है हार्दिक गज्जर ने, प्रोड्यूस किया है धवल जयंतीलाल गदा और अक्षय जयंतीलाल गदा ने। फिल्म में है प्रतीक गांधी एज राजा राम जोशी, एंद्रिता रे एज रानी, फ्लोरा सैनी एज उर्मी एंड राजेंद्र गुप्ता एज पंडित जी। और भाई साहब ऑनेस्टली करीब 1 करोड़ बेवजह के गाने जो अचानक से आ जाते हैं सामने, एकदम वैसे जैसे ITR फाइल करने की डेट नहीं आ जाती, और अपने देश में वो टैब इंडिया वाली बेतुकी आउटरीच एकदम उसी तरीके से। नो सीरियसली यार, ये जश्न बकलोली है अपना देश भी एट टाइम्स, क्या ही है ये। वैसे जश्न बकलोली से याद आया, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। बॉलीवुड के फूफा जी यानी कि भाई साहब सेंसर बोर्ड की बात कर रही हूँ, जिनको हर एक चीज से प्रॉब्लम होती है, उनको एक सीन में दिक्कत हुई जहां प्रतीक गांधी का कैरेक्टर राम को रावण की बहन सूर्पनखा को जिस तरह से ट्रीट करा जा रहा है उस पर सवाल करता है। भाई साहब इस बात पर जब बवाल हुआ तो मुंह पे कालिख, गाड़ी के शीशे टूटने से और ट्विटर पर बॉयकॉट से बचने के लिए मेकर्स ने सिर्फ सीन नहीं हटाया बल्कि मूवी का नाम ही रावण लीला से चेंज कर दिया और भवाई रख दिया। चलो इन्होंने नाम तो बदला, भंसाली साहब होते तो बस नाम की स्पेलिंग चेंज कर देते और काम चला लेते। खैर रिलीज से पहले मूवी क्यों कंट्रोवर्सी में रही ये तो आपको बता दिया, अब बताते हैं कि रिलीज के बाद ये मूवी क्यों इंडिया के फेवरेट टाइम पास बॉयकॉट का शिकार होगी। तो भवाई जो कि वेस्टर्न इंडिया का एक पॉपुलर फोक थिएटर है स्पेशली गुजरात में, मूवी का सौतेला नाम इसी से इंस्पायर्ड है और कहानी है गुजरात के एक लड़के और एक लड़की की जो एक्टर्स बनना चाहते हैं और रामलीला में साथ में काम भी करते हैं। और ब्रो प्रतीक गांधी के पापा उनके एक्टिंग के शौक के सख्त खिलाफ हैं और वो उनको बिल्कुल वैसे ही ताने देते हैं जैसे सुबह 7 की जगह 8 बजे उठ जाने पे हमारे पापा। मतलब इंडियन पापा लोग भी कितने कमाल के होते हैं ना यार, ताने दे रहे होते हैं या तारीफ कर रहे होते हैं यही नहीं समझ आता है। आप बताओ ये कैसी डांट हुई, आ गए कलेक्टर साहब इनकी आरती उतारो भाई, या फिर अरे ये तो गवर्नर है इनसे कुछ मत कहो। खैर अब कैसे प्रतीक को रामलीला में काम मिलता है, कैसे वो घर से निकाले जाते हैं और साथ में उनकी रोमांटिक स्टोरी विद एंद्रिता और कैसे इनटॉलरेंस बनती है इन दोनों की कहानी का विलन। अब ब्रो जब मूवी में रिलीजन का एंगल होगा, रावण के कैरेक्टर की तरफ एक सिंपैथेटिक टेक होगा, रिलीजियस हेगमनी पर जब सवाल उठाए गए होंगे स्पेशली जब वो सवाल लॉजिकल हो, तो बॉयकॉट होना तो बनता है ना यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो स्टोरी के बाद जल्दी से एक्टिंग की बात कर लेते हैं। यार मैंने ऑनेस्टली सिर्फ प्रतीक गांधी के लिए थिएटर तक जाने का लोड लिया, वो भी 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, 100 रुपए का। अब की बार छोड़ो यार, गुजराती सिनेमा में भी भाई का जबरदस्त क्रेज है और अब हिंदी फिल्म्स में स्कैम के बाद भवाई, मतलब प्रतीक ना नाम रोशन करेगा एक दिन देखना, राजा राम जोशी नाम से मारो। कुछ नए चेहरे भी हैं एटलीस्ट मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स के लिए, जैसे एंद्रिता रे जिन्होंने सीता का रोल प्ले किया है एंड ही ऑल्सो लुक्स ओके इन दैट रोल। अंकुर भाटिया जो लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं वो भी ठीक ठाक है, मतलब रामलीला में लक्ष्मण के रोल से पक चुके प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे अंकुर इज अ लिटिल बिट टॉलरेबल। और भाई साहब गोपाल सिंह जो कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले एक जहरीले मौका परस्त रिलीजन का इस्तेमाल करने वाले या टू मेक इट इजी फॉर यू इन सब का मिक्सचर यानी कि एक पॉलिटिशियन बने हैं। राजेश शर्मा जो धोनी की बायोपिक में एक बंगाली कोच बने थे इस फिल्म में बजरंगी बने हैं एंड बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है इनका। फिल्म को म्यूजिक से खराब किया है शब्बीर अहमद ने, मतलब सेकेंड हाफ में तो आप जितनी देर में एक बार ऑक्सीजन इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करोगे उतनी देर में 2 गाने निकल जाएंगे। और कमाल की बात देखो कि एक भी गाना रजिस्टर ही नहीं करता है। मोहित चौहान जरूर इश्क फितूरी गाना जो है उसमें सालों बाद आपको सुनाई देंगे तो थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर हालांकि जो किया है प्रसाद सचदेव ने वो बेरेबल है, हाँ मतलब रामलीला के सीन्स जो आते हैं उसमें बैकग्राउंड स्कोर काफी फिट होता है। तो हार्दिक गज्जर जिन्होंने ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है, मेरे हिसाब से भाई साहब उनकी थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि फिल्म ना रामलीला के थ्रू इनटॉलरेंस को डील करती है। दो डायरेक्टर ने बवाल से बचने के लिए इसको बहुत सटल तरीके से दिखाया है, इतना सटल कि इट हार्डली रजिस्टर्स। जय श्री राम के नारे लगाते हुए वोट बटोरने की प्लानिंग के सीन्स, मॉब लिंचिंग, ये सारे टॉपिक्स हार्दिक इस फिल्म में कुछ ऐसे डील करते दिखे। कचरा छू के दौड़, बिल्कुल ऐसे, ये भी कचरा की तरह बस छू के भागे। तो मुद्दे सारे टाइगर की तरह उठाए पर ट्रीटमेंट दिया टाइगर श्रॉफ वाला, मतलब बॉयकॉट और आउटरेज का डर साफ साफ था फिल्म मेकिंग में
एंड आई ऑनेस्टली डोंट ब्लेम हिम. अरे भैया जश्न मैन हैंडलिंग जो कर देते हैं कुछ कमबख्त, अगर उनके मुताबिक चीज नहीं दिखाओ तो. सो द फिल्म भवाई इज बोरिंग, मतलब एक अच्छा टॉपिक, कुछ अच्छे मोमेंट्स बट बोरिंग. स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, पर अगर आप पीके मूवी में शिवजी वाले सीन से ऑफेंड हो चुके हो और क्यों हमेशा सिर्फ हिंदू धर्म के भगवान का मजाक उड़ाया जाता है उस मेंटालिटी के हो, तो भैया ये फिल्म रहने देना है ना, टाइम मत खराब करना, क्यों भी बढ़ाना अपना दोस्त है. क्योंकि देखो बात ये है ना, अभी आप फैब इंडिया को बॉयकॉट कर रहे हो 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से, फिर ये मूवी देखने के बाद इसके ऊपर शुरू हो जाओगे, रहने दो ना, क्यों टाइम खराब करो. दिवाली आ रही, दिवाली की सफाई करो, घर पे हाथ बटाओ. तो ये फिल्म भवाई एक और अच्छा इशू रेज करती है कि कैसे हम लोग एक्टर्स जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं उन्हें सच में भगवान मानने लग जाते हैं. भाई साहब ये बीमारी ना बहुत पुरानी है. रामानंद सागर की रामायण याद है आपको? उसमें अरुण गोविल जो राम बने थे और दीपिका भारद्वाज जिन्होंने सीता का रोल प्ले किया था, उन्होंने खुद कहा था कि शो के बाद वो जहां पे भी जाते थे लोग ना आके उनके पैर छूने लग जाते थे और आशीर्वाद मांगते थे कि प्रभु. और दीपिका जो सीता बनी थी उन्होंने तो ये तक बताया कि उन्हें डायरेक्टर्स आफ्टर हर रोल इन सीता किसी और रोल में कास्ट ही नहीं करते थे, बिकॉज लोग ये सोचने लगे थे कि भैया ये तो असली सीता माता है, इनको किसी रोमांटिक सीन के ऊपर कुछ गाना गाते हुए कैसे देख सकते हैं. गजब ही दिक्कत है यार ये तो है. सो भवाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ. लोग कैसे प्रतीक को जो रावण का रोल प्ले कर रहे होते हैं एक रामलीला में उसको सच में रावण मान लेते हैं और कैसे रावण और सीता का रोमांस फिल्म में लोगों को हजम ही नहीं होता है. भवाई का फर्स्ट हाफ ठीक है और टॉलरेबल है, पर सेकंड हाफ भाई साहब बकवास. यही फिल्म थोड़े और कलेजे के साथ खुल के बनाई होती ना तो शायद काफी बेटर होती. बॉली भक्त और पुरखा की तरफ से भवाई को 2.5 भक्ति पॉइंट्स. अवॉइडेबल मूवी है जैसे फैब इंडिया वाला कलेश, समझ रहे हो ना, अवॉइडेबल. You're watching Bollywood.